नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज जो आपके सामने मैं वीडियो लेकर आया हूं, बहुत जबरदस्त वीडियो है। ये वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। बात है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी 2019 वाली, उस वैकेंसी का रिजल्ट कब आएगा? सबसे बड़ा मुद्दा यह है। दो महीने पहले आपकी एग्जाम लगी थी 2019 में, यह वैकेंसी आई थी। बहुत लंबे अंतराल के बाद आपकी एग्जाम लगी थी, कारण कोरोना काल भी इसमें आ गया था। मगर 2023 में ये एग्जाम लगी है ना, इसके बाद से ही बच्चों के कॉल और मैसेज आ रहा है कि सर इसकी जो रिजल्ट कब आएगा, इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, हम टाइपिंग की तैयारी करें तो कौन करें। और इससे भी बड़ी खुशखबरी है, 2022 में सीआईएसएफ की जो वैकेंसी आई थी उसका एग्जाम कब होना है, वो सारी जो आपको सबको पता है, अक्टूबर 31 अक्टूबर 30 अक्टूबर को जो है एग्जाम है। 30 अक्टूबर को 3 शिफ्ट में एग्जाम है, 54 सेंटर तय किए गए हैं। तो उस एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे, इन सारी बातों पर मैं परिचर्चा करने वाला हूं। देखो, हमने पहले बताया रिजल्ट कब आएगा, इस पर मुद्दा करेंगे। टाइपिंग की तैयारी कौन करे और कैसे करे, सबसे बड़ी चीज है कि बच्चे सब भर्तियों के पीछे भग रहे हैं और जिन्होंने एग्जाम दिया है वो अभी समझ नहीं पा रहे कि इसका रिजल्ट आ गया तो तैयारी का टाइम कब मिलेगा। तो बेटा, पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी है तैयारी तो अभी से भी लग जाओ, और 2022 का एग्जाम कैसे पास करेंगे इस पर भी थोड़ी सी परिचर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा आगे। सबसे पहले आपके टाइपिंग कौन करेगा? तो भाई साहब, टाइपिंग आपका जो 2 माह पहले एग्जाम हुआ था ना, इस 2 माह पहले एग्जाम में मैंने कम से कम 1000 बच्चों से बात की थी, 1000+ बच्चों से मैंने सीधे रूप से बात की थी। तो उन बच्चों ने हमें जो स्कोर कार्ड बताया था उसको देखते हुए मुझे लगता है 70+ वाले जितने भी बच्चे हैं सबको टाइपिंग टेस्ट करनी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसके कारण 70+ अगर आपके अंक आ रहे हैं तो आज से ही बेटा जी, आज से ही टाइपिंग में लग जाएं, हैं? और सबसे बड़ी इसकी बात है, इसमें जो एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या थी वो ये मान लो कि लगभग 1/3 बच्चों ने एग्जाम दी थी, यानी 3 बच्चों में से 2 बच्चों ने है, ऐसे एक बच्चे ने 3 बच्चों में से एक बच्चे ने, मैं तो ये सीधा सा ऊपर 35-40% बच्चों ने एग्जाम दी थी। तो इसका मतलब 2019 की जो वैकेंसी थी वो इतने लंबे अंतराल के बाद हो रही थी, तो इसमें बच्चों की उपस्थिति बहुत कम थी। और अब उपस्थिति इतनी कम थी और तो इसका जो फिर भी जो दो पढ़ने वाले बच्चों ने सबने एग्जाम भी दी थी, बहुत सारे ऐसे मेरे जानकार हैं जिन्होंने बहुत सीधे रूप से बताया कि गुरुजी 70, 75, 78, 77 ऐसे अंक थे। तो टाइपिंग के लिए मेरिट कम रहती है। और देखो, अब टाइपिंग में फेल होने वालों की संख्या भी ज्यादा है, तो मेरिट है ना, मेरिट ये कम ही रहेगी, आप ज्यादा मत जाओ, मेरिट बहुत कम रहेगी। आप ये मान के चलो 75 के एडी गेडी ही मेरिट रुक जाएगी, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। तो 70+ वाले जितने भी है उन सबको मेरी एक ही राय है कि टाइपिंग की तैयारी अभी से कर देनी चाहिए। घर पर कंप्यूटर ले आओ आराम से, जिसके पास कंप्यूटर है उस अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो। ये पहली चीज तो यह है, टाइपिंग में आप स्पीड पर ध्यान दे, वर्डों पर ध्यान दे, गलतियों पर ध्यान दे, क्योंकि टाइपिंग के लिए कम से कम आपको 2 माह अच्छी तैयारी चाहिए। यह एक आपके पास मौका है, यह आपके पास मौका है कि 2 महीने में अगर आप अच्छे से, क्योंकि अगर रिजल्ट आएगा, आपकी रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट तो जो सीआईएसएफ है ना उसके द्वारा तैयार है, सीआईएसएफ के द्वारा रिजल्ट तैयार है भाई साहब, तैयार पड़ा है यह रिजल्ट आपका, तैयार है परिणाम। मगर अब कब जारी होगा यह सबसे बड़ा मुद्दा है। तो भाई साहब, ये कभी भी जारी हो सकता है, मैं कहूं तो 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं, ज्यादा दिन भी लग सकते हैं, लगभग इस दिनों में यह रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा बेटा, तो टाइपिंग की तैयारी आप बहुत अच्छे से चालू कर दें। इसके बाद जो बात रही 2022 की सीआईएसएफ की वैकेंसी की, 2022 की जो सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ 2022 हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी है एचसीएम, ठीक है, ये पता है। अब इस वैकेंसी का जो एग्जाम होना है वो कब होना है भाई साहब, 30 अक्टूबर है।
अक्टूबर है और कितनी शिफ्टों में होना है, तीन शिफ्ट में होना है और कितने सेंटर अलॉट किए गए हैं, 54 सेंटर अलॉट किए गए हैं। अब ऐसा इसकी तैयारी गुरुजी, हमारे पास समय कम है क्योंकि आज आपको पता है आज 20 अक्टूबर है और हमारे पास मात्र 10 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं, 10 दिन। तो इस 10 दिनों में तैयारी करें तो कैसे करें, तो बेटा सबसे पहली मैं आपको एक बात बता दूं, जिन्होंने भी जो तैयारी कर रखी है या करने के मूड में है, प्लस नहीं हो रहा भाई, अच्छा करने के मूड में है, तो ये 10 दिन में आपको करना क्या है, एक तो जो 2019 वाली सीआईएसएफ की भर्ती हुई थी मिनिस्टर की, इसमें जितने भी मॉडल पेपर थे यानी जो पेपर है उन सभी पेपर 2019 के पेपर, 2019 की भर्ती जो 2022 दो महीने पहले हुई थी, इसके जितने भी पेपर है एक एक बार तो उस पेपर को निकाल दे और कम से कम इस 10 दिन में आप दिन के दो मॉडल पेपर हल करें। अब ज्यादा टाइम नहीं है तो आपको एक स्पीड बनाना है प्लस मॉडल टेस्ट पेपर से आपको उसको रूपरेखा आ जाएगी, आपने का कितना जो वेटेज है तैयारी का वो भी आपको पता चल जाएगा, जहां कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का टाइम है। केवल अब तुम चैप्टर वाई पढ़ लो वो नहीं चलेगा, तो कम से कम आप है ना एक दिन के दो मॉडल टेस्ट पेपर मार दो, 20 मॉडल टेस्ट पेपर मार दो और 2019 के जो भर्ती थी उसके जो 2022 यानी दो माह पहले जो एग्जाम लगी थी उसके मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे, तो उन मॉडल टेस्ट पेपर का रिवीजन कर दे। ये कर दोगे तो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, ये मेरी गारंटी है। क्या होगा, रामबाण सिद्ध होगा, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा इसका। कंप्लीट है, आपको मैंने सारी जानकारियां दे दी है, क्या क्या कि रिजल्ट कब जारी होगा, तो रिजल्ट आपका जारी मैंने बता दिया 15-20 दिन के अंदर या इसके थोड़े से दिनों बाद यानी नेक्स्ट मंथ तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ठीक है। टाइपिंग की तैयारी कौन करे, तो 70 प्लस वाले सब बच्चे टाइपिंग की तैयारी करें, सेल्फ घर पे कंप्यूटर है या कोई कंप्यूटर सेंटर पर आपने कर लिया हुआ है। 2022 की जो भर्ती है अब इसकी तैयारी के लिए मैंने सीधे से बताया कम से कम 20 मॉडल टेस्ट पेपर मारने हैं, ये हो गई अपनी ओल्ड बात। अब ऐसा आप अगर तैयारी करना चाहते हो और आपके पास मॉडल टेस्ट पेपर नहीं है, आप मॉडल टेस्ट पेपर आपके पास नहीं है तो आप सीधा गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ड्रीम एग्जाम नाम से हमारा ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर आपको जो CISF के SEM इसकी सब चीजें आपको उपलब्ध हो जाएगी और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको एक नंबर दे रहा हूं 9351784838, ये नंबर है, इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो कि हमें कैसे टेस्ट सीरीज लेना है, क्या है क्या नहीं लेना है, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी, ठीक है भाई साहब। तो आपको मेरी सारी की सारी बातें समझ में आ गई होगी और आपको अगर कोई बात पूछनी है तो जो मैंने नंबर दिया है उन नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकता है, अच्छे से तैयारी करें बेटा, ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।